अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या लिख रहे थे ठीक ठाक। मैं आरिफ खान, तो सारे यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार व्लॉग थे बना लें। सारे व्लॉग सारे चैनल सब्सक्राइब कर गिनो, बात करें आज की मज़ेदार वीडियो। तो सोचा पैसों में कई जात आया था, मैं आया था अपने घर की बैक साइड। ये सारा घर है जरा पीछे, ये घर है, ये तलवा पोर्शन सारे वाला, ये उत्तर डबल पोर्शन है, ठीक है। और मदद गल भी सारे घर के सामने इतने रसार रोड है, एडू MM रोड है, पीछे बिल्कुल देसी माहौल है, सारे का सारा बहुत जबरदस्त। ये अगला कणक बीजी पी है, बाकी इतने बाग आ गए, ये घा वगैरह राधा पे, बहुत ही प्यारा मौसम, यानी कि फ्रंट तो शहर, बैक तो देहात। वो स्टेज पर आए और तिलावत का इशारा हासिल करें। दो छोरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاكم الله ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ویکھا میں نگر سونے محمد دا یہ ممکن ہے جے ہوئے کرم سونے محمد دا عقیدت من اکھیندی اے میں ول وی ہنجواں نوں پی ویندا عقیدت من اکھیندی اے میں ول وی ہنجواں نوں پی ویندا جداں لڑ دے میری اکھ چوں ہجر سونے محمد دا انہاں راہواں کو میں چم چم کے ہونٹ اپنے گسا دیساں انہاں راہواں کو چم چم کے میں ہونٹ اپنے گسا دیساں جنہاں راہواں تو ہوندا ہا گزر سونے محمد دا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد انعام اللہ कदी चलदा ते कदी रुकदा कदी चलदा ते
तन बतलाओ ले लुकदा बहारा आया तेरे नाल बहारा आया लजपाला सोने साया तेरे नाल बहारा आया तेरे नाल कीता है करम करीमा तुसा कीता है करम करीमा तनु ले गई नाल हलीमा तनु ले गई नाल हलीमा हथू मलदियाँ रह गईया दाइया तेरे नाल बाहर आया तेरे नाल बाहर आया लजपाला सोनिया साया तेरे नाल बाहर आया तेरे नाल बाहर आया तुसा सोनिया सानू रंगिया असा जिन बारी भी मंगिया असा जिन बारी भी मंगिया तुसा खैरा सानू माया तेरे नाल बाहर आया तेरे नाल बाहर आया लजपाला सोने साया तेरे नाल बाहर आया तेरे नाल बाहर आया शेर पंजा मसी खैर बिस्मिल्लाह एक माड़ा बांदी सुन जा फुल कदर कुमांदे बूटियां तू जंदे बाग दे माली होवे ओ कदर वफादी क्या जानन जेड़े जर सुखाली होवे ओए ठिक्के बजलू मां हनीफ छली जान शरा प्यार भी साली होवे सिर दे के संगा दी लज रख देन शला सजन हलाली होवे मसी खैर वास्ते दारिया उस इवें समझो भाई खास मरकज या खास पीढ़ दे विच के मेरे ख्याल जो साकू ताई में नाल नाल मिसाल आखा वे कि घलवन का घुट्टी के बीच भी ना वो पहले पहले जो कतरे मुँह दिते पैने तो मेरे ख्याल ढोल की आवाज़ ही दिखी पैदी है तो सरदार मोहम्मद सनाउला खान मसी खैल साहब उनके साथ सरदार मोहम्मद फरहान खान मसी खैल साहब मलिक अलमदार हुसैन झमड़ साहब हाजी मलिक नज़र हुसैन आवान साहब मलिक अब्दुल गफ़ार आवान साहब और मलिक अजीज़ खडीर साहब चौधरी मोहम्मद अरशद फौजी अब्दुल रहीम काजी साहब मलिक मोहम्मद सुल्तान आवान मोहम्मद यूनिस रेतड़ी से डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब मलिक सुल्तान आवान मलिक मोहम्मद हनीफ घलू साहब और मलिक गुलाम शबीर घलू साहब और इनके साथ जितने भी चाहे वो बरकत वाले से हैं चाहे वो दुले वाला से हैं चाहे जहाँ जहाँ से भी वो तशरीफ़ लाए हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद वेलकम जी आया नू मरहबा कहते हैं। अब आपकी भरपूर जोरदार तालियों में दावा देने से पहले मैं हाजी जुल्फकार हाजी मुराद अब्दुस्तार सैयद मोहम्मद और मले गुलाम शबीर इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने इतना जुरतमंदाना फैसला करते हुए आज मस्जिद फैल ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर लिया है और जोरदार तालियां
और इसके साथ मैं हाजी इमाम बख्श और हाजी मलिक मेरा घल्लू को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जियो घल्लू खानदान उसका जड़ा ताड़ी रखी और कंजूसी कबैसी तारिया हाजी इमाम बख्श घल्लू और हाजी मलिक मेरा घल्लू को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज ये जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं या ये सारी शमूलियत हुई है तो ये सिर्फ उन्हीं के साथ सारा सहरा जाता है, ये सारी मेहनत उन्हीं के लिए है, उन्हीं की है, तो एक मरतबा उनके लिए भरपूर जोरदार तालियां जी। भरपूर जोरदार ताड़ियों में मैं दावत देने वाला हूं सरदार मलिक अलमदार हुसैन छमड़ साहब को, जिनके साथ नाम के साथ तो बहुत सारे अलकाबात लगते हैं, अगर मैं वो जिक्र करता रहूं तो मेरे ख्याल में 2-3 मिनट और मैं आप लोगों के दरमियान हायल रहूंगा। तो आपकी भरपूर जोरदार ताड़ियों में सरदार मलिक अलमदार हुसैन छमड़ साहब चेयरमैन टाउन कमेटी कलूर कर मलिक अलमदार हुसैन वास्ते ताड़ियां। काबिल एहतराम हाजी नजर हुसैन साहब, नहायत ही काबिल एहतराम साजे बुजुर्ग मलिक सिकंदर इकबाल जम्मर साहब चेयरमैन यून कौंसल बड़ंगा, नहायत ही वाजिब उल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों बच्चे अस्सलाम अलैकुम। सब तो पहले मैं अपनी बिरादरी का गल्लू बिरादरी का जेड़े लोग बाकी बिरादरियों के आए बैठे मैं तमाम बिरादरी का शुक्र गुजार हाँ क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा इस्तकबाल किया है। मैं हैरान रह गया ते गल्लू ते इस्तकबाल, लेकिन मैं हैरान इस टाइम ही ये जड़ी जगह थे मैं आया खड़ा है, ये मैंने वालिद मरहूम दा घर है, ये गल्लू दा घर नहीं, ये मैंने वालिद मरहूम दा घर है। मैं हर जा जलसे कीते अटेंडी कीते तकरीरें कीतियां, लेकिन ते मैं इतनी खुशी थी है जिंदी हद ही कोनी, मैं सारे गल्लू बिरादरी दा बेहद मशहूर हाँ जोरदार तारी। दूजा ना चाहते पैन इमाम बाज का मेयर मोहम्मद मुख्तलिफ साजे बिराव का बुजुर्गों का ये तो हे सियासी पे ग्रुप पे शामिल थे, मैं इन्होंने ग्रुप पे शामिल हाँ गलूँ कई बुजुर्ग ही बैठे उस मैं ना जाऊँ याद है मैं साजे बुजुर्ग इस इलाके को इलेक्शन लड़ा हाजी तो मेरे रब के इख्तियार कोई सारे इख्तियार नहीं 400-500 माउटे तू ली गांधी आए सारे बुजुर्गों की मैं वो टाइम याद है थोड़ी मेहरबानी हाँ तो थोड़ी शफकत मैं याद है। दूजा गुजारिश है अज जरा तुसा किया कोई मुतालबे इन्ने ये सड़क इन्ने बिजली इन्ने मस्ती खेल थोड़ा बिराए कोई सियासी है मैंने बन गया गलों नहीं आया, मैं उसनों रिक्वेस्ट करो साहब भाई घलू जेड़ी शे मंगते नहीं बिजलियां मंगते नहीं सड़क मंगते नहीं कोई सोले मंगते नहीं आज दे के भाई कुछ ही गल ना कर क्योंकि मेरा घर है मसी शेल दी गल है हबीबुल्ले खान दी गल है असल नवे बंदे कौन है। बाकी मैं गुजारिश करा भाई थाना दुल्ले वाला मैं बैठा मेरे सिकंदर इकबाल ही बैठे मेरे भाई जाज सैन होनी बैठे जिस जो गया है हर टाइम सादे दरवाजे खुले
कोई बाहर कोठियां ते अंदर कोठियां ते सब दे सब बाहर खतरी बुजुर्गां दी लक्ष्य कदम ते सा सुनदे है थवाजा अपना घर है फजर आओ शाम आओ जिस टाइम आओ सा हाजिर है जोरदार ताली बाकी मैं सटे सैकड़ी दा शुक्रिया अदा न करा या सहाफी बिरादरी दा वही सन प्रोटोकॉल दिंदे पैन पर सदाकत मेरा छोटा भाई है मुगल सारे सहाफी मैं सारी बिरादरी दा प्यार मशकूरा वसलाम जिंदगी होसी दवात मुलाकात तीसरी बार सलाम मौला तेरी जिंदगी बरास करे हमेशा जड़े चन्ने खून हमें ना कर लग रहे थे मलिक अलमदार हुसैन झम्मट के लिए एक बार फिर भरपूर जोरदार तालियां इस जलसे को कामयाब करने में जिन शख्सियात ने बहुत ज़्यादा काफियों की उनमें हाजी अब्दुर्रहमान घलू साहब मोहम्मद सादिक घलू साहब मोहम्मद जमान घलू साहब सैद रसूल घलू साहब और मोहम्मद सलीम घलू साहब इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने दिन रात एक किया और ये तागो दो जदोजहद और कोशिश करते रहे एक मरतबा इनके लिए भी भरपूर ज़ोरदार तालियां दी मोहम्मद सनाउल्ला खान मसीह ख्याल के साथ हमारे जो मेहमान आए हैं शफाउल्ला खान बरकत वाला से अब्दुल मजीद खान और सनाउल्ला खान बराम ख्याल इनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं इनको भी हम वेलकम सनाउल्ला खान शबाज ख्याल इनको भी हम दिल की अथाह गिराइयों से वेलकम जी आयनु मरहबा खुश आमदीद कहते हैं अब आपके सामने मैं दावत देने वाला हूँ हाजी मलिक नज़र हुसैन आवान बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं बहुत ही मदनसार और प्यार मोहब्बत करने वाले हैं आपकी भरपूर ज़ोरदार तालियों में जनाब हाजी से अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे फरहान खान मलिक अलमदार झम्मट साहब तो बाकी मजीन जो स्टेज पर बैठे हैं और हाजरीन जलसा बच्चे बूढ़े जवान सबको मेरा सलाम मैं सन 79 दे विच पहला जिंदगी का इलेक्शन लड़े सन 79 दे साड़ी यूनियन कौंसल उसले बड़ंगा आई बड़ंगा बहुत बड़ी यूनियन कौंसल आई MPA दे हल्के दे बराबर दी यूनियन कौंसल है वो फिर सुपड़ती हूँ दो मौसम उत्ते आके वो यूनियन कौंसल मौजूद है बाकी सारे कुछ इलाके और यूनियन कौंसल बन गई सन 79 तो गिन के ता हाल जड़े हूँ बल्दियाती अदारे त्रुटे मेरे ख्याल दे विच सस टेनोरन अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दी मेहरबानी और तुसा लोगों की मेहरबानी दे नाल मैं ता हाल तक की जनाब असा सारे इलेक्शन जीते मैं यूनियन कौंसल बड़ंगे की डिवेलपमेंट का मैं दसा पहले तो मतलब है उस यानी 72 देहात में असं बिजली मुहैया की है जी 72 देहात गाँव नहीं छोटे पौधे नहीं 10-10 तले घर ना 10 देहात जड़े बड़े जन्म ली जबाना मोहटा डोगी फलां उस सड़क स्कूल अलहमदुल्ला मौजा मोहटा या यूनियन कौंसल सारी जड़ी है जा गदाई या जिथे हर जगह ते लड़कियों के स्कूल भी मौजूद हैं लड़कों के स्कूल भी मौजूद हैं बाकी जो सहूलतं देहात दे विच होनियां ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕੋਈ ਖਾਲ ਖਾਲ ਕਿ ਥਾਈ ਕੋਈ 10 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਰਨਾ ਤਮਾਮ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਗਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਉਲਾ ਖਾਨ ਸਈਦ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋੜਾਂ
और इस तू मजनी दी जेड़ा कोई टाइम मिलता है जा टेनोर है तो उस दे विच विच ना बेली तुहां सारे एमपीएस एमएनएस साहब दा विजन जे जड़ी मतलब है उन्हां नू अपना ख्याल है के यूनियन काउंसिल गदाई नू असम मॉडल यूनियन काउंसिल बना के छोड़ने धारिया दा जनाब धारिया हुण इस वक्त ही थारी यूनियन काउंसिल गदाई दे विच सनाउल्ला खान ने जबाना जबाने नू वो प्राइमरी स्कूल आई काफी अच्छे दा बनाया है मिडिल करा दिया धारी आवे ये सनाउल्ला खान दा एक विजन है सब की ना दा जड़ा ये आयन पेल फील्ड दे विच एमएनए बने एमपीए बने ते इना दा सब तो बड़ा फोकस से रहे जी ओ तालीम रही है जी ओ पहले पांच कॉलेजेस पहले वो एक रिकॉर्ड है या है मतलब एक मिसाल है कि वो सनाउल्ला खान मस्जिद खेलने टाइम कीती है कि पांच कॉलेज गिन के हुन तक तो मेरे ख्याल में बेशुमार कॉलेज स्कूल अपना चुका धारिया धारिया हुन इस वक्त की थोड़ी यूनियन काउंसिल मिडा आठ डिग्री कॉलेज बनाए थी पंजा तू पांच तू आठ हो गए मेरा भाई गावरा ले अलग ही नहीं बनी हुन इस वक्त की दो अपन सुबह सड़कें ले उन्होंने चल रहे हैं एक जनाबे ने जड़ी रोड नाल आए हुन जनाबे ने दुलियाला दरिया खान रोड तू गिन के आगे जा रही है येड़े वास्ते मैं भी जिस तरह मलिक परमदार जमा ने भी रिक्वेस्ट की थी है के इतनी देवें जनाबे ने के इतनी और जगह को ना रहे मुझे इस तू इलावा सईद अकबर खान ने तुहानू शायद दित्ती है दुले दरिया खान तू गिन के आठ किलोमीटर सड़क उन्होंने दी है बिकनिया दी अगर आपने जितनी भी स्कीमा है अल्हम्दुलिल्लाह में सारियां हो रही हैं जनाब बाकी सियासी तौर पे जड़ा है जड़ा आज मैं देख रहा मैं तो देखो ना ही एक आदमी जो मैं जानना मेरे ख्याल दे विच ए तो दुनिया दी एक अनोखी मिसाल इन लोगों कायम कर दी है जड़ा आज इकट्ठ ते आज जड़े चेहरे मेनू इकट्ठे नजर आ रहे हैं साडे दिल खुशियां दे नाल भरे हुए ते असारा रूह दी दे के असा तालियां दे मेहरबानी की करो तालियां दे असा इमाम बाश जुलफकार इन सारा दा जितने भी दोस्तों ने इस दे विच किरदार अदा कीते के असा जनाब अली उन्ना मतलब एमएनए नु जा नुमाइंदा नु वोट तो दू जेडे वोट दे हकदार ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫੇਰਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਧਾਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤੀ ਸਾਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਮੰਦਾਂ ਉੱਤੇ 100% ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਸਨਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਾਰੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਆਲੀ ਮਲਕ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਮਲਕ ਸਿਕੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਸੇਖ हम हाजी इमाम बाश साहब और हाजी मलिक मेरा घलू साहब की कोशों का काफ़िशों को सलाम करते हैं कि जिनकी काफ़िशों से आज हाजी जुल्फ़कार घलू हाजी मुराद घलू अब्दुस्तार घलू सैद मीर घलू और सैद मोहम्मद घलू और मलिक गुलाम शबीर घलू मस्जिद ख्याल ग्रुप में शमूलियत कर रहे हैं बल्कि कर चुके हैं तो इनको इनके लिए एक भरपूर ज़ोरदार तालियाँ मैं मोहम्मद सनाउल्ला खान नसीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी ये जब एमएनए बने तो मैं जहां पर भी मिलता था अक्सर हमारी मुलाकात किसी न किसी गुलखानी में हो जाती थी या गाह बगाह कहीं झंडावाला में मुलाकात हुई तो मैंने यही इनसे कहा कि अंकल जी ये मुझे कहते कि बच्चों अपना काम बता तो मैंने कभी इनसे नहीं कहा कि हमें कोई नौकरियाँ दिलवाएँ हमें ये करें वो करें बल्कि इनसे मैं यही कहता रहा कि चाचू जी हमारा जो स्कूल है ना उसको कम से कम ना 8वीं तक होना चाहिए तो ये मुझे थपकी भी देते थे कहते थे इंशाल्लाह आते बेटा आपका काम होगा
फिर कभी कभार मैं कहता था कि उसी स्कूल की ना बिजली की लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो 1952 से वो कैम शुदा स्कूल, उसकी अब वो बिजली भी सनाउल्लाह खान ने लगवा दी है और वो स्कूल भी मिडल तक बन चुका है, जिसकी कल से वो काम भी शुरू हो चुका है। शेरे पंजाब से मोहम्मद सनाउल्लाह खान, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मौजा महोटा के जितने भी डेरा जात की बिरादरियां हैं वो तमाम ही एक प्लेटफार्म पर मुतहिद हो चुकी हैं और ये इनका मुतहिद रहना उस वक्त तक ही हो सकता है कि जब आप इन पर करम करेंगे, इनको रोड और स्कूल देंगे तो ये तभी मुतहिद रहेंगे, वगरना ये है कि डेढ़ साल बाद जैसे ही इलेक्शन होंगे तो ये फिर इसी तरह कहेंगे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, हम उसी तरह ठीक हैं। हमारे साथ हर आदमी आ जाता है, प्रोटोकॉल भी हम देते हैं, सारा कुछ हम उसको इज्जत भी देते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम नहीं होता तो फिर हम अपने ही मुँह पर ठीक ही हैं जैसे हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो जो आज की इस जो बिरादरी शमूलियत हुई तो शमूलियत की उनके ये मुतालबात हैं कि ये जो रोड आपने 1 किलोमीटर दिया है तो वो ये चाहते हैं कि हमें इसी रोड से आगे 6 किलोमीटर महोटा तक भी रोड दे दिया जाए और उसके बाद और इसके बाद आप पिटवाड़ा वाला से लेकर आप महोटे तक चले जाएं तो काफ़ी सारी आबादी है जो इस वक्त जो डेरे जात आपके साथ आए हैं ये 400 से भी ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं और इंशाल्लाह अगर आप ये रोड भी दे देते हैं और इनकी ना बच्चियों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल है ना बच्चों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल है, अगर आप उसका भी आज ऐलान भी कर देते हैं और ऐलान के साथ साथ उस अपने ऐलान को पाए तकमील तक भी पहुँचाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप डोगी वाले पोलिंग स्टेशन पर मोहटा वाले पोलिंग स्टेशन पर भी बगैर मेहनत किए और जब ये कैंपेन इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है बेशक आप इस मौजा मोहटा में आइएगा भी नहीं, आप यहाँ पर हमें 1 मिनट भी ना दीजिएगा, ये लोग आपको अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, आप इलेक्शन का रिजल्ट देखिए। तो मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 6 किलोमीटर रोड है ये बहुत ज़्यादा आप यहाँ से आए हैं, आज तो कुछ फट्टे वगैरह भी मारे हुए थे, आज सारा कुछ वो मिट्टी भी हमवार हो चुकी थी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरत है। 3-3 लोग 4-4 लोग यहाँ से बच्चे मोटरसाइकिलों पर चढ़कर और काठमोड़ तक दुल्हेवाला तक वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इतनी सर्दी में इतनी गर्मियों में कभी उनके पाँव जख्मी होते हैं, कभी उनके कोई कमीज़ें शलवार फटी हुई होती है, तो आपने उनका दर्द को अपना दर्द समझते हुए आपने जिस तरह हर इस इलाके के बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उसी तरह से अपना बच्चा समझते हुए ये आपने फौरी ही इसकी तामीर के लिए काम करवाना है और इसके साथ साथ सरों सामने कुर्सियां, इसके साथ साथ आप बाकी जो इस इन डेरा जात की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, खसूसन बिलखसूस जो आप मौजा महोटा की तरक्की के लिए कर सकते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो ऐलानात भी करें और अपने ऐलानात को पाए तकमील तक भी पहुंचाएं। तो मैं एक शेर मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्सी फैल की नज़र करूंगा कि ये तू चाहे तहिक झाटे इस एक साला दी लह वैसी, आप मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्सी फैल आपकी नज़र कि ये तू चाहे तहिक झाटे इस एक साला दी लह वैसी, कदम रखे चा वेड़े विच साडा माण रह वैसी, असा मंदिया घर साडा पुराना बहु पुराना है पर इतना भी पुराना नहीं ये तू आसे दठाए वैसी, आपकी भरपूर जोरदार तालियों में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वतुइज़ मन तशाउ वरज़ु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर हस्बुनल्लाहु व निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर अम्मा बाद नहायत काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मेरे मौजूदीन हमारे दीन और सारे नाल सारे दोस्त आए मौजूदीन इलाका हमारे दीन इलाका
तुसा जेडे थारे भरा सामने बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, गलू बिरादरी दा मैं दिल दी यथा कराइया नाल शुक्र गुजार हाँ कि जेड़ा तुसा साडा वालियाना इस्तकबाल कीते थारे प्यार दी मुहब्बत दी और वफा दी दलील है। मैं थोड़ा अल्फाज शुक्रिया अदा ना कर सकता, ये तुसा साडा वालियाना इस्तकबाल कीते फुलां दी पत्तियां वहाईयां प्यार मुहब्बत नाल सानू इत्थे घिनायो, ये मैं समझींदा कि सच्चे और सुच्चे और ईमानदार इंसान दी निशानी इलामात है। अपने भरा वे भरा मलिक मेरे दा, मैं हाजी इमाम बख्श दा, उन्होंने साथियों का दिल दिया था कर शुक्र गुजार हाँ। उन्होंने मेरे भरावान ने तन मन धन ला के जेड़े सारे बिरा साडे को रुसे बदे हन इन्हां नूं सारे नाल अल्लाह और शमूलियत दा ऐलान कराए, पर मैं ذاتی तौर ते शुक्र गुजार जोरदार ताली। मैं इस मौके ते हाजी ज़ुल्फ़कार दा, हाजी मुराद दा, अब्दुल सत्तार दा, सैयद मोहम्मद दा, मले गुलाम शबीर दा, उन्हां दी बिरादरी दा, संगियां दा, ग्रुप दा भी शुक्र गुजार हां कि उन्हां मैं ते इत्माद कीता है और मेरे ग्रुप में शामिल थैन जी। ताली यकीन फरमाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज खलोता थारे सामने स्टेज ते, ये सब मेरे अल्लाह वाहदहू ला शरीक दा करमे फजल है, मैं ते इस चीज दे काबिल ही ना, ऐल भी ना, मैं ते कक बराबर भी ना, सब मेरे वाहदहू ला शरीक दा करमे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली कमली वाले सरकार दे सदके अज मैं थोड़े सामने खलोता है, सब दिती हुई थोड़े बिरावां दिए, संगियां दिए, दोस्तां दिए, ग्रुप दिए कि मैं थोड़ा तुसा मैं ते तबाद कीता, तुसा मैं भारी लीड नाल है मैंने मुंतखब करके असेंबली बुता, चाहे मैं 2009 चाहे मैंने रहा दो हल्के अल्लाह की जात करा फरमाया संगत की वजह नाल मैं एम एन ए भी जीता, मैं एम पी ए भी, उस तो बाद मैं एम पी ए रहा, या हूँ अल्लाह की जात ने मैं करा फरमाया एम एन ए। मेरे भराओ बड़े मलिक नजर हुसैन ने भी थोड़ा ना टच किया, इतने सियासत का चलन ही कुछ होर आई, सियासत का स्टाइल ही कुछ होर आई, सियासत ही गल्ला ही कुछ होर। मैं चूंकि सियासी सिस्टम का बागी हां, मैं सियासी सिस्टम नू चैलेंज नू कबूल किया कि पसमानदगी महरूमी जी हाले तक असा रूंदे खलोते हैं, सारे इस मुल्क नू पड़े हुए 74-75 साल ठीक है, सारे को बुनियादी सहूलियात नहीं आई, सड़क नहीं आई, स्कूल नहीं आई, काश नहीं आई। मैं इस पसमानदगी का मुकाबला करने की खातिर सीना सफर थी के एक नारा लाया, बल्कि मेरे एक विजन है, मेरी एक सियासी फिलॉसफी है, मेरा एक सियासी आइडिया है कि इज्जत जी तुसा गरीब लोग नहीं दियो, तुसा आवाम सानू इस लेवल तक गिनवें दियो, सानू अपना वकील बढ़ा के, अपने मानतां दा अमीन बढ़ा के, सानू एमएनए एमपीए बढ़ा के असेंबली च पहुंचें दियो। मैं तो थोड़ा उन्हें दिहाड़ा का भी इंसान ना ला सकता जेने तुसा सारे बिरा सारिया बहन इस सानू सारी खातिर गिनवें दियो पोल में ते बुड़ने बुड़ने नाल की चलेंगे बच्चे ना तारिया ना सरदार से तारिया गिर में दो चाके चाहे को बुड़ा है चाहे को बुड़ी है जी, क्योंकि मैं अपने खेल मंजर देता अदा थारे उस बिहार का भी सान ना ला सकते, लेकिन मैं वादा की ताई पत्थर के गैरत मंदो कि मैं सासा देश चलन नु तब्दील करे सा, मैं सासा देश चाल नु तब्दील करे सा, और अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली कितनी आ सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब सारे बिराए बैठे मन फखर है थाल दे बैठे, और सारे गोमर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये न सिर्फ सारे गलुओं वास्ते इज्जत की गल है बल्कि मेरे वास्ते और सारी धरती वास्ते भी इज्जत की गल है। तालियां ऐसे कीमती लोग समझे दिन कि ए तालीम के शहर तब्दीली सबसे पहले तालीम गिरा सकती है, तालीम के अलावा कोई चीज तब्दीली नहीं गिरा सकती।
तालीम एक ऐसा जेवर है, तालीम एक ऐसा हुस्न है जिहड़ी थोड़ी शऊर दियां रगां नूं खोल लैंदा है, थोड़ी जमीर दियां रगां नूं खोल लैंदा है, थोड़ी बेदारी जिहड़ी है ओह पाए तकमील तक गिनवेंदा है। तालीम थानूं बुरे और चंगे दी तमीज़ सिखाउंदी है, तालीम थानूं फैसला करन ते मजबूर करदी है कि थोड़े वोट ताकतदार कौन है जिहड़ी थोड़ी खिदमत कर सके, थोड़ी आवाज बुलंद कर सके। थोड़ा वकील ओह बणदे हमेशा मेरे भराओ जिहड़ा ढेंगूंगा नहीं वकील बनाया। मैं थोड़े को सवाल करीना कहना गुंगा नु वकील बनाया, असा मुकदमे झगड़ते हैं वेंदे हैं सारे भरा जट बैठे हो वकील रखी दो, कोशिश करी दो तकड़ा वकील होवे जिहड़ा जज नु गल समझा सके, जिहड़ा जज दे नाल उत्थों साना फारे आके फैसला करा सके। कहना गुंगा नु वकील रखा, ये पसमांदगी महरूमियां दी वजह है। हाले तक जेड़े 76 साल सन ठीक है, मैं अपनी जाति कुर्सी कण तो बैठा रहा, मैं अपनी जात कण तो सोचीदा रहा, लेकिन मैं आवाम कण कुछ ना सोचा तब थोन वोट देवण का फायदा आया। नारिया मैं अपनी जात कण सोचा, मैं अपने मतलब कण सोचा तो मेरा मतलब है मजा तो कहां है गवाज बुलंद करो उन्होंने फारे पेर छावर करो, तो मतलब मकसद तो ता है। इस वास्ते मेरे बराओ के और फरमाओ रूह हजार रूह तू पहले दुले आले सारी तारीख शुरू की थी आई कि हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया बनिया जी, बड़े बड़े मुजीन ने बड़े बड़े क्या दो इंटेलिजेंसिया ने बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बना के उन्होंने जनाब बाका सानू दुले आले हायर सेकेंडरी स्कूल लियो। अल्लाह वाह शरीफ मैं कामयाब किया, मैं जी पहली मुलाकात की थी वजीर आला नाल, तो वजीर आला साहब मैं आखन लगे चूंकि अल्लाह की जात करा फरमाए ग्रुप और संघा की वजह नाल थारे बराबर मैं डूबल के दिता फिर मैं तो वो एम पी ए का जरा हल्का विकेट किया तो मैंने चौरी परवेज लाई साहब आखन लगे मस्ती खैल साहब इन्हें मैं तो मलिक आलमदार चेयरमैन से बैठे नहीं यार नाल बैठा तो मैं मेरे मूड हथ रख के आते जी कोई तहसीलदार लगवा लें कोई डी एस पी लगवा लें आपका जिन्नी इलेक्शन हो रहा है। मैं तो लिस्ट रखी ना कॉलेज नहीं करके दिखा जी कुछ होर कमला लगता है कि लगता है जी कुछ होर मैं कमला लगता है कोई आते थड़दार लवाओ चा सिपाही लवाओ चा मुंशी लवाओ चा जो ए मैंने मुंशी लवे दे रहे वजीर आला सैकटरी मैंने पता उन्होंने गलों का वजीर आला सैकटरी मन के थड़दार के तबादले करेंदे जी पटवारी लवेंदे जी वो लिठा आके मैं क्या जी मैं कॉलेज दो आज अलहमदुल्ला थोड़े सामने बॉयज डिग्री कॉलेज दुले आला स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग ना सिर्फ मंजूर करवाया बिल्डिंग मंजूर करवाई चलाया प्रोफेसर बैठे पर बच्चियों का गर्ल्स डिग्री कॉलेज ना सिर्फ मंजूर करवाया बल्कि उसने बिल्डिंग मंजूर करवाई स्टाफ मंजूर करवाया आज उसे बच्चियां पढ़ती पी अलहमदुल्ला जम्मण शुमारी तक कोई रोड नहीं फौज आई यहां कोई जम्मण शुमारी से मिलता जी थोड़ा दुले आले तू गिन के तोड़ गामा कानिया बैठे मेंबर तोड़ कोई रोड नहीं क्या दियो जी उतने तक तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह दुले आले तू गिन के तोड़ वाया चद्राम नहुआ जंजु शरीफ ने मेरा ला दिते जी सारी पिछले दौर के बीच क्यों मेरे फिराओ उस तो बाद एक कलूर कोट के बीच गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिता मैं इंजीनियर कलूर कोट केड़ा है सारी तहसील जिला 1982 बनाई सिर्फ बॉयज इंटर कॉलेज आई जी बॉयज इंटर कॉलेज में मैं डिग्री का कैंपस बनवाया डिग्री की क्लासेस लवाइया
نال ادنا رقبہ منتقل کروایا 40 کنال نال ادنا ملٹی پرپز ہال بنایا انیار بچیاں دا گل ڈگری کالج منظور کروایا شاندار بلڈنگ بنائی سٹاف منظور کروایا بچیاں پڑھ دیا پئیاں انیے دریا خان بوائز ڈگری کالج گرلز ڈگری کالج آج الحمدللہ انیار کمرشل کالج جڑا کلور کوٹ آئی سر اٹھی کام دی کلاس ہو گئی 12 تک उसनू बी काम का कैंपस बनाया उसनू बी काम की क्लासेस लवाईया ये चूंकि तालीम दी कई मदन प्राइमरी की तालीम है मिडल की तालीम है मत हाई की तालीम है मत उस बाद तुहाडे कॉलेज की तालीम है यूनिवर्सिटी की तालीम है आखण का मकसद ये जेले मैं 8 कॉलेज गिनाया कॉलेज बने बच्चे पढ़ते पे बच्चियां पढ़ते पे मैं नहीं पता दुले आले ते इन्हां दे के आला अज अलहम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब सारे जंडा आले दे विच कम अज कम साडे इथाई बच्चे पढ़ के इथाई बच्चियां पढ़ के वो पब्लिक सर्विस कमीशन दे जरिए जंडा आले दी बच्चियां और जंडा आले दे बच्चे 6-6 7-7 लेक्चरर बन के उत्थे पढ़ाउंदे पे अलहम्दुलिल्लाह सना अल्लाह खान ए मेरे भराओ ए मैं इस वास्ते कीती आई वरना सियासत मैं थाने की करनी नहीं आती मैं पटवारी की करनी नहीं आती देखो ना जी मैं चाके दरिया सिंह वाह देव थड़दार चाके मैं पटवारी चाके क्या भैरहरा बिच वाह देव जुराती नहीं किसे दी के कवामे नु मैं देता अफसर गल ना सुने गल ना मने और जाति करे ते मैं उनु ते बावा देवा मैं सियासत छोड़ के बावा ना दे सके जियो सारिया जुराती नहीं किसे दी के दे माए दे लाल दे विच ये सलके दा है मैंने सदावला मस्ती खैर होवे और उते संगी नाल जाति होवे चाके मनु दराय सिंह दे बावा दे सके सारी सारी जियो अगे मैं थाने दी साथ नाम करीदा चौकी दी साथ नाम करीदा लेकिन इस तू मुराद ये नहीं कि मैनू करनी नहीं आंदी मैनू करनी भी आंदी है नपामना भी आंदा है छुड़ावना भी आंदा है हर गल करनी आंदी है तारिया जियो जियो लेकिन सोचो मेरे भराओ जेड़े सारे तुसा मोसे न हो सारे भरा हो तू साते सान चाड़ के मुझते हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣਾ ਗੁਜੈਜ਼ ਹੈ ਬਲਾ ਵਜਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ क्योंकि सारी मजबूरी होती है थाने जमींदार जड़े इंसान जमीन थो भी कंट्रोल करना है जी महकमा माल भी कंट्रोल करना है हर शे कंट्रोल करना है क्योंकि ये 1800 जड़ा 80 का निजाम आंदा पे पुलिस उसके मुताबिक पुलिस चलती पई है लेकिन मेरे भराओ ये हूँ जिन जिन हालात तब्दील थींदे आंदे हूँ अज वजीर आजम इमरान खान साहब 1860 का जड़ा कानून आई पुलिस का तब्दील थींदा पे जी इनियार जरा साडा है महकमा माल का कानून आई जिन असा CPCRPC आदे हैं जी कि वो जनाब जरा है जी वो दारे का मुकदमा हाले पोतरा भुगती बदे जी तारीख दर तारीख अज वजीर आजम साहब अलहमदुल्ला तकरीबन कुछ 600 मलिक साहब चेयरमैन साहब कवानीन ने 600 कवानीन अज तब्दील थींदे पे जी सिविल जज नू भी पाबंद कर दिता वे जी कि बिल फर तय साल मुकदमा सुनावना है जी इन यार एडिशनल सैशन जज जो साल छुने से इन यार हाई कोर्ट जी एक म्याद बनाई वे सी सुप्रीम कोर्ट की म्याद बनाई वे सी 2-3 साल जो मुकदमा है वो मुकदमा पाए तकमील तक पहुँच वे सी केस तो मुराद ये नहीं जनाब के 100-100 साल से 50-50 साल जनाब जो है मुकदमा चलता रहा है मुआशी तौर पर जोड़ा है सारी मतलब क्या दे मईशत को कमजोर करी है दूजा मेरे भराओ अलहमदुल्ला वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार मैं शुक्र गुजार हाँ उन्होंने मैं वजीर आजम इमरान खान का शुक्र गुजार हाँ कि सारी धरती के बेटे सारे धरती के बेटे उन्होंने बखर कण
10 अरब रुपए का पैकेज दिते सरदार उस्मान बुलदार बखारिया। इस तू पहले ये मले नगर हुसैन वाण बैठे, मले कलमदार हुसैन बैठे, मोजजीन बैठे, सारे बैठे कहे पाकिस्तान दी हुकूमत ने, कहे वजीर आजम, कहे वजीर आला ने इस तू वड़ा पैकेज बखन दी तारीफ नहीं दिता जी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲਜਿਸ, ਬੀ ਐਚ ਯੂਆਂ, ਆਰ ਐਚ ਸੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲ, ਰੋਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਚਾਹਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਪਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੜਕਾਂ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਟੱਪੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਰ ਐਮ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀਟੋਰੀਅਲ ਚੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬੜੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆਰ ਐਮ ਕੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਖਾਨਸਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਹੋ ਗਏ ਰੱਖ ਗੁੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਰੱਖ ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹੈ ਕਤਰੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਚੱਕਾਂ ਜੋ ਟਾਪ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਕੂਕ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਯੂਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਵੈਦ ਕਰੀਂਦਾ ਪਿਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨਾ ਵ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਜੁਰਤ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਮੁਕਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 250 ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, 250 ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਜੀ, 250 ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 2-4 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਮੈਂ 500 ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਪੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 60 ਸਕੂਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਕਿਤਨਾ ਸਰ? 60 ਸਕੂਲ, 7-8 ਬੀ ਐਚ ਯੂਆਂ ਜੀ, 7 ਆਰ ਐਚ ਸੀਆਂ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਡੀ ਐਚ ਕਿਊ ਬੱਖਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੱਖਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਸਕੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਆਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਰੇਡੀਆਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਵਾਰਡ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਅਰਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਜਟ ਆ ਗਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਜੀਆਰ ਸਾਡੀ ਥਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸਾਂ ਬਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਣ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਣ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਬੱਖਾ ਨੂੰ ਥਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 256 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਗੋਧਾ ਦਾ ਸਬ ਕੈਂਪਸ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਸਰਗੋਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੈਂਪਸ ਆਈ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ,
यूनिवर्सिटी जी हो सी ना मेरे फिराओ उस दे विच थारे कितने डिपार्टमेंट्स में कितने कितने साइंस दे को 35 हो गए आर्ट्स दे हो गए थारा जरी कॉलेज बन सी थारा मेडिकल कॉलेज बन सी थारिया तमाम तरीन फैसिलिटीज जनाब इत्थे थारे मिल सी जी ए मैं समझिंदा कि ए सारी धरती दा सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है थाल यूनिवर्सिटी लफकार अली भुट्टो शहीद ने दो यूनिवर्सिटियां बनाईया जकरिया यूनिवर्सिटी मैनू वजीर आला साहब दसेंदे पैन के खान साहब जी ने मैं आके जकरिया यूनिवर्सिटी पढ़न गया ना जी तो उत्थे सारे दसेंदे पैन उस्ताद कि जेले जकरिया यूनिवर्सिटी पहले पहले भुट्टो साहब बनाई है तो मिडल स्कूल के कैंपस दे विच मिडल स्कूल के कैंपस से चली आई अज जनाब देखो को बड़ी तारीख साहब बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियर कोमल यूनिवर्सिटी बनाईया बाकी यूनिवर्सिटी बनाईया अलहमदुलिल्लाह शुक्र गुजार है ऐसा इमरान खान दे ये थारे सामने मेरे फेराओ एमएम रोड हाई ये कातिल रोड हाई ये खूनी रोड हाई इथे हारो लाशा सा चेंदे आसे कैन जुरत नहीं थे दादा साला तक इथे इंतजार च रहन छड़ी हो छड़ी थुक नाल चब गीटी चमणा ना दवाती खैर आई जी थुक नाल गीटी नहीं धारिया जियो थुक नाल गीटी नहीं चमड़ा सके चलो यार को लुक तो जाते रो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ओ जेड़ा एमएम रोड है उधर ठेका हो गया इंशाल्लाह ताला 40 फुट चौड़ा रोड हो सी अल्हम्दुलिल्लाह 40 फुट चौड़ा रोड जोरदार तालियां अरे मियां वाले तो गिन के मुजफ्फरगढ़ तक 286 किलोमीटर रोड इंशाल्लाह ताला ओ आए जी इन्हीं आ रहे रोड सारा नाम मुकम्मल आई ये तो दुखिन के दरिया खान तक वो थोन मुबारक होवे उदे पैसे आ गए इंशाल्लाह ताला ओ भी महीने खान तक उदा काम शुरू थी वैसे इंशाल्लाह ताला एक मैं भी आ रोड इते बो वडा जेड़ा ओ दरिया खान चो डेरा इस्माइल खान तक वेंदे जी 3 फुट चौड़ा सड़क जी 3 फुट ताली ताली ओ जड़ी सड़क 3 फुट चौड़ी ओ दरिया खान पीर बुढ़ाए तू जना वैसे माया मजोका जोका चढ़ के उथे वन चढ़ सी इंशाल्लाह ताला आखिर का मकसद ये है कि मेरे भराओ कोई सुते ना है पे कोई गफला की नींद ना है सुते पे जागते पे जागते बैठे हैं पर हकूक की आवाज जड़ी है इन्हें बुलंद करी दे पे इन्हें बुलंद करने का हक है अल्हम्दुलिल्लाह जी जोरदार तारी है जोरदार तारी ये हारो कुस्ता देते हो सो ये मैं वजीर आलम नु क्यों मिलता मैं वजीर आलम नु क्यों मिलता मैं को अपने जात कर कश मगन में ना मैं को जाती मिनिस्ट्री मंगण में ना मैं अपने बरादी को नौकरी गिनण में ना थारे कण में ना जी थारे हकूक के बाद बुलंद करण में ना जी के खान साहब आजाद जित के ऐसा इमरान खान तन सपोर्ट कीता है सारे घर जहाज लावे ना सारे घर हेलीकॉप्टर आवे ना ऐसा मुतालबात करवा के मैं वफाकी वजीर बना सईद अकबर खान सूबाई वजीर बना अमीर उमर खान सूबाई वजीर जियो जियो लेकिन ऐसा अपनी जात कण नहीं सोचा असा वतन अपने धरती कण सोचा है अपने जिले कण सोचा है किस वास्ते लेकिन सारा जिला है पसमांदा रावे देखो ना मेरे भराओ थानु थाल यूनिवर्सिटी मिल गई है थारे एमएम रोड मिल गए मैं छड़ा जबानी गल्ला ना करिंदा पया ए डा जाना तक काम शुरू पे थानु पर दरी खान रोड है इंशाल्लाह ताला जेड़ा नहीं बना पिछले 10 सालों दे विच ओ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह महीने खान तक उता काम शुरू थी वैसे इंशाल्लाह ताला जेड़ा सारा है दरिया खान तो गिन के डेरा इस्माइल खान तक उता काम इंशाल्लाह महीने तक इंशाल्लाह शुरू थी वैसे आखिर दा मकसद है कि अमली तौर पे सामने आसी बाकी इंशाल्लाह ताला मेरे अजीज इरफान सारा पुत्र है सारा भतीजा है मैं मलिक इरफान एक दफा हाथ तंगी नपंद वाला छुड़ावण में ना दींदा हूं पर पुत्रो इतनी मेरी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह इतने च मेरी खुदा ने काबिलियत पैदा की थी है कि मैं जैसे एक दफा हाथ नपंद हाथ छुड़ावण में ना जियो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुभान व तआला करम फरमैसी अल्लाह मेहरबानी फरमैसी मैं गलू कौम दा दिल दिया था गरिया ना शुक्र गुजार मैं जेड़े मेरे बराबर बैठे हो गलू खान दा जोरदार तारिया इंतहाई सच्चे इंतहाई सुच्चे इंतहाई वफादार अच्छे लोग हैं सारे नाल कुछ सियासी तौर ते इख्तलाफात भी कह दे तो इधर दार बड़ा घर हो बहु बड़े बड़े लोग हो देखो भाई जी बहु बड़ा वोट मैं के घलवा दा
कम अज कम तुसा जाती तौर ते थोड़ा जाती नफसन जेड़े हैं दो त्रै हजार वोट के मालिक हो की चार हजार पांच हजार तक अगर मैं तुसा डू डू चार चार पांच पांच गिनो तो भाई कान धार धार से सवाल कहनू के ते इस वास्ते मेरे भराओ इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दहानी कर मैं ना चाहे थोड़ा बच्चा मैं जाबर पुत्र हो मैं जबानी याद रहता जेडे जेडे इंशाअल्लाह ताला थोड़ी बिजलियां हो सन थोड़े इंशाअल्लाह रोड हो सन थोड़े स्कूलों की कोई हो सन सूरत हाल इंशाअल्लाह ताला मैं तोड़ चढ़े सा और इंशाअल्लाह थोड़े को मैं इंशाअल्लाह सुरखरुती सा इंशाअल्लाह ताला ते बाकी क्योंकि मुगल साहब तो बिजली आज कढ़नी है मुगल साहब थोड़ी गोते रेवने पे सन तक है बलोचिस्तान साढ़े तो ठीक थी वैसे बाकी इंशाअल्लाह ताला ये मेरे भरावान ने मुतालबा इंशाअल्लाह किदन पटवाड़ा लो गिन के मोहटा तक सड़क जड़ी है प्राइमरी स्कूल थी गया गर्ल्स लोगी मोहटा पोलिंग स्टेशन जरा इन्होंने इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं स्कूल भी बनवासा अस्पताल का क्या दो रोड भी बनवासा इंशाअल्लाह जेडी बिजली आ रही इंशाअल्लाह बिजली भी तोड़ इंशाअल्लाह चढ़ेसा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह कोई घर थोड़ा जेड़ा है इंशाअल्लाह उस तो महरूम ना हो सके बाकी मेरे भराओ महंगाई है महंगाई मुश्किल है मैं थोड़ा नुमाइंदा मैं जमींदार हाँ काश्तकार हाँ जमींदार का बेटा मैं समझीना मैं थोड़े बिचू आने जी मैं पता है महंगाई है मुश्किल है लेकिन मुश्किल या महंगाई क्यों है छड़ी पाकिस्तान महंगाई है ये पूरी दुनिया महंगाई है सवाल है ना जी महंगाई तो है ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है या पूरी दुनिया में महंगाई है इसका जवाब है कि पूरी दुनिया में महंगाई है पूरी दुनिया के विच जड़ा ये सारा कोरोना है इसने पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिता है पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई हैं मैं हम पिछले दिहाड़े यूरोप से तुर्की गया है हम असं गुरू हफ्ते उत्थे रहे हैं चेयरमैन सर असं आज तो छह महीने पहले मैं तुर्की गया स्पीकर साहब न तो उत्थे जेड़ा उन्हां दी करंसी जे सारा रुपया करंसी है ना जी ओ लीरा आदे छह महीने पहले ओ लीरा जेड़ा है असा तिरवंजा रुपया देवा तो एक रुपया उन्हां दा बनता है जी एक लीरा हुण मैं तुर्की गया पिछले अज तू तकरीबन कोई त्रै चार हफ्ते पहले वो जनाब जेड़ा उन्हां दा लीरा है जी वह तिरवंजा रुपये तो तेरह रुपये से आ गया है जी और फरमाओ ना जी मैं यूरोप गया स्पेन असा गए पोलैंड असा गए इटली असा गए उन्हें सहते पैन कि जनाब यूरोप डेढ़ साल तो बाद खुले कोई मार्केट कोई दुकान कोई बाजार कोई रेलवे कोई बसा कोई कारा वो डेढ़ साल तक बंद रहे हाँ तो उसकी जात वादला शुक्र गुजार है उसकी जात की मेहरबानी है कि साढ़े तो हालात काफ़ी बेहतर हैं जी सारे हालात काफ़ी बेहतर हैं इस वास्ते इंशाअल्लाह ताला एक घबरावना नहीं मेरे भराओ मुसीबत कौम से आनी है मुश्किल कौम से आनी है ये थोड़ा मिसाल मैं ही देव कि कै घर शादी है पूरा उदा जहेज उसकी तैयारी तो सारा समान शमान क्या दो नाई तैयार होंगे सारे मिरासी तैयार होंगे पूरी हर शह तैयारी होंगी हर लिहाज न फलाने दिहाड़ शादी है जी खुदा न करे उस घर फौतगी थी वेंदी हादसा थी वेंदे शादी रुक वेंदी है इन यार पूरी दुनिया हालात है ये सौ 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 साल तो बाद ऐसा वड़ा जनाब साथ अजाब आए इस वास्ते रल मिल के सारे सारे गुनाह की शामात असल्ला वादला शरीक देखो माफ़ी भी मंगो अपने गुनाह की माफी मंगो देखो ना मेरे बराओ कैन सिर दर्द है कैन खंघ आती है कैन जनाब कोई तकलीफ होते ना अज मौजूद है खंघ वाला सिर उच्च गिनसो जी सिर दर्द जनाब फलानी बोली च गिनसो ये ऐसी मूली बीमारी है एक तो यह पत्ता कौन नहीं सारा दुश्मन केड़ा है इस बीमारी का दूजे का इलाज को नहीं जी इलाज ही कौन जी ये नहीं पता असा भरा बैठ गया केड़े केड़े करोना ना बदया तो केड़े करोना तो बगैर बदया जी इस वास्ते मेरे फिराओ ये मूँह बड़ा क्या जिसने मईशत हूँ मैं थोड़ा दसा इमरान खान ने इस मुश्किल हालात के
11 अरब रुपया वंडे, कितना जी 11 अरब रुपया। त्रै त्रै महीने दुकानदारा के जनाब जे दुकानदारा के किराए बिल बिजली के वो दिते ने जी। छोटे कारखाने को बर्फ का कारखाना आई या कोई फ्लोर मिल आई या इसे गलत चना का कारखाना आई, उन्होंने बिल उन्हें माफ़ किए पैसे दिते। ये जनाब थोड़ा 12-12 हज़ार रुपया गरीबन मिलता रहे क्या दे कैश के बच्चे, क्योंकि मुसीबत असि गरीब मुल्क है। वो अमरीका जे 4000 अरब रुपया दिते जी, कितना जी 4000 अरब रुपया उस अपनी आवाम का दिते। सारे का 4000 अरब बजट ही नहीं पाकिस्तान का पूरा जी। इस वास्ते मेरे भराओ ये घबरावना नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला जी फाते मुसीबत आई है इस मुसीबत में महंगाई है इंशाअल्लाह। ये महंगाई दूर थी सी जिते जिते चंगे काम थे वो तो मुबारक हो। हर असा मैं समझीदा कि ये इमरान खान ने वो काम किए जे पाकिस्तान की 74 साल तारीख कहीं नहीं किया। केड़ा काम जी कि हर घराने नू जेड़ा बंदा शादीशुद है घर बिशाक भावे 4 बिरार आंदे हो एक घर लेकिन वो शादीशुदा हो वखरा घराना हो गया। हर घराने नू इमरान खान ने हेल्थ कार्ड ला 10 लाख रुपया दे दिते जी। थोड़े जेब 10 लाख रुपया हो सी क्योंकि अजकल मुश्किल मैं जमीन 10 लाख मेरे जेब को खुदा न करे तो मैं मुसीबत तकलीफ आवे 10 लाख रुपया थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस 3 मार्च तू तो जेड़े लेवल अस्पताल बनो जी प्राइवेट वनो सरकारी वनो कितना ही वनो थोड़े को 10 लाख रुपये जेब हो सी इंशाअल्लाह। इंजार जो एहसास प्रोग्राम है 260 अरब रुपया उदा बेलाग क्या दे जी सर्वे हो गए हूँ पता लग गया सू पाकिस्तान पहले सर्वे ही कौन आई है कि पाकिस्तान कितने गरीब लोग हैं जी। हूँ यह पता लग गया गरीब गुरबा का लेवल आ गया ये कितना गरीब है 10% गरीब है 20% गरीब है 30% गरीब है 40% गरीब है उसके मुताबिक पॉलिसियां बन गई ना जी। ओ अल्हम्दुलिल्लाह सारा सर्वे कंप्लीट थी गए इंशाअल्लाह ताला 260 अरब रुपया कोई यतीम मस्कीन बेवा गरीब उसके घर पैसा मिलसी इंशाअल्लाह ताला। उस तो इलावा जो साडा यूथ प्रोग्राम है यूथ प्रोग्राम दे विच पाकिस्तान की तारीख प्रोफेसर साहब बैठे ऐसे जहीन दिमाग ऐसे इंटेलिजेंट लोग ऐसे जो को पैसा नहीं सिलेक्ट जिया ने जी उन्होंने वास्ते इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफा 70 अरब रुपया गरीबों के माल की पढ़ाई 70 अरब रुपया इन यार हाउसिंग स्कीम कई कई काम है जी। तो इंशाअल्लाह ताला असा मैं तुम तसली ना लाता इंशाअल्लाह मैं यकीन है कि इंशाअल्लाह जेड़े साढ़े छोटे मोटे मसाइल हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाए तकमीर तक पहुँचे सू और जी थी खिदमत का अस फ्रीजा जरा संभाला हो इंशाअल्लाह ताला असा पाए तकमील तक पुछे सूँ। मैं मलिक मुराद भाई जुल्फकार थोड़ी सारी बरादरी का संगत का दोस्तों का मलिक गुलाम जमीन खादा सारे बिराव का शुक्र गुजार हाँ तू साथ इतमाद किया मैं इतमाद किया मैं थोड़े इतमाद न पुछे सा इंशाअल्लाह इतमाद से पूरा उतर सा इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह ताला करा फरमैसी पाकिस्तान अलहम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन या खुदा जुल जलाल तू खालिक तू राज़िक तू मालिक या तू गफूर रहीम अल्लाह कुल शैन कदीर सब ताकत मालिक तू या अल्लाह। कोई चरिंद कोई परिंद कोई नबातात कोई जमातात कायनात जो भी सेगमेंट्स हैं या खुदा जुल जलाल तेरी मर्जी तेरी मंशा तो अलावा पर भी नहीं हिला सकते असा गुनाहगार सियाकार बदकार या अल्लाह कख बराबर ही ना है सब तेरा करम है तेरा फजल है तेरी मेहरबानी है या खुदा जुल जलाल ते इस फकीर नू इस आजिज़ नू जो मकाम दिता या अल्लाह सब तरी दिखी हुई जाते जी या इन्हें गरीब लोगों दिखी हुई जाती मेरे संगियां दोस्त ग्रुप संगा की दिखी हुई जाती या अल्लाह तू मुश्किल या अल्लाह परेशानियां दूर फरमा
या अल्लाह पाकिस्तान ते करम फरमा, पाकिस्तान ते मेहरबानी फरमा। या अल्लाह मुसीबत जी करोना दी टाल मेरा मौला, साडे घरां दे हालात नूं दुरुस्त फरमा। नेक या अल्लाह सानू हक हलाल दी रोजी कमाउण तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जुल्म तू जबर तू नासाफी तू बचा मेरा मौला। गरीब अवाम दी खिदमत दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करम फरमा। या अल्लाह जिहड़े दोस्तां असां इक वार वादे कीते सानू वादे पूरे करन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इलाही आमीन। इस धरती दा मुकदमा लड़न दी इन्हें तौफीक अता फरमा। या खुदा जो जलाल इन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने सिलसिले अमला किया है। या खुदा जो जलाल या अल्लाह इतनी जुरत अता फरमा इन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दार को शिकस्त दी है। या अल्लाह इतनी ताकत दी या अल्लाह सब दे मेरे मौला कि मैं इस तसाली टोले का बाजू करोड़ के रख। या अल्लाह चोर डकैत मनशात रोज बदमाशा दू या खुदा जो जलाल उसकी गर्दन मरोड़ के रख दू। या खुदा जो जलाल इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बाबाकार लोग हैं। या अल्लाह ओ निज़ाम जो जाला गिदा जिले क्या दियन शीं ते बकरी कट्ठा पानी पींदी आई। या अल्लाह इंसाफ दा बोल वाला फरमा। या अल्लाह जुल्म जबर तू महफूज फरमा। या अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है। या अल्लाह वतन है पाकिस्तान है, ये मुल्क है, असा भी हैं, सारिया सियासत भी हैं, सारिया वकालत भी हैं, सारिया जमींदारियां भी हैं, सारी हर शय। या अल्लाह तू करम फरमा, तू रहम फरमा, तू मेहरबानी फरमा। या अल्लाह हर घर ते या अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह शर शैतानी तू महफूज फरमा, दुश्मन की साजिशां तू महफूज फरमा, हाज़रीन दी हज़ा तू महफूज फरमा। वाह आमीन। फरहान खान, फरहान खान जिंदगी दिलाल हो गई। फरहान खान जियो, आहा 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 जियो। फरहान खान गुलाम शबीर, बिस्मिल्लाह कराए।